एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको बाहर से शूट कर रही हूँ क्योंकि रूम में वो सो रहे थे क्योंकि उनका रात का ड्यूटी था, तो अभी सुबह आके सो रहे हैं। तो सोचा कि सुबह का, आज एनिवर्सरी का दिन है तो एनिवर्सरी का ब्लॉग आज मैं सुबह से शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, हम लोग का सूर्य भगवान अभी निकल के आया है तो इसलिए मैं निकल के आई हूँ, नहीं तो बहुत ठंडा लग रहा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा फ्रेश एयर मिल रहा है अभी क्योंकि चारों तरफ आप देखिए एक बार, पूरा आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आज मैं एनिवर्सरी के दिन में क्या क्या करती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली रात को पार्टी है, पुलिस स्टेशन में ही पार्टी है, सबको मिलकर यहाँ पर पार्टी करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं अभी घर का काम ख़त्म कर लूँगी, जैसे झाड़ू पोछा ये सब कर लूँगी, उसके बाद चाय पी के, क्योंकि कुछ नहीं पीऊँगी बस चाय पी के, और दर्शन करने के लिए जाना है। यहाँ पर देवपानी माता का मंदिर है तो वहीं पर ही जाएंगे सबसे पहले, वहाँ पर माँ का दर्शन लेने के बाद, उसके बाद थोड़ा बहुत क्या होता है वो भी शेयर करती रहूँगी। ऐसे तो खाना वाना बनाना नहीं है। और आने टाइम में यहाँ पर फेमस एक होटल है, मतलब मणिपुरी होटल बोलते हैं ना क्या यहाँ पर, मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन सुन कल मेरे हस्बैंड ने बताया था, तो वहाँ पर शायद हम लोग खाना खाएंगे पूजा करने के बाद, तो वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहेगा मेरे ब्लॉग पर एंड तक। और आज का वीडियो थोड़ा सा ही अलग होगा, एक जगह का नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग का, और उसके ऊपर मैं आपको बोली थी मैं इसका व्यू दिखाऊंगी, मतलब मैं पुलिस स्टेशन का व्यू भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो देखती हूँ कितना तक दिखा पाती हूँ। और चलिए, बहुत देर से पक कर रही हूँ, अभी चली जाती हूँ नीचे क्योंकि फटक से कोई भी आ सकता है यहाँ पर। मैंने वो ब्लॉग शूट किया था कल तक आने का यहाँ का, पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। ये सब सीज हो चुका है ये सब गाड़ियाँ, कल भी मैंने ब्लॉग को बताया था, पर पता नहीं मैं ब्लॉग कब दे पाऊँगी आप लोगों को क्योंकि टाइम नहीं है। ऊपर से कल भी मुझे जाना है मेरे मायके, तो पता नहीं कब मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जितना हो सके मैं रिकॉर्ड करके रखती जाऊँगी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। रूम के पास पहुंच चुकी हो, अभी यहाँ पक पक करने से नहीं होगा, उनका नींद टूट जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले थोड़ी देर बाद। तो बाय बाय। तो अभी हम लोग मैं रेडी हो चुकी है, देखिए पहले सोचा था मेखला चादर पहनूंगी बोल के, पर मेखला चादर पहनने के लिए मुझे नहीं आता ठीक से, तो इसलिए फिर से वापस खोल दिया। तो अभी ये वाला कुर्ती डाला है मैंने, और देखिए बाल पूरा गीला है क्योंकि सुखाने का भी टाइम नहीं है, जल्दी से जाना पड़ेगा और इनको पार्टी का भी अरेंजमेंट करना है। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ, पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ये नीचे ही थाना है, मतलब पुलिस स्टेशन है, तो मैं जितना हो सके उतना आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग। तो ये आ गए अभी, चलिए चलते हैं। तो सॉरी गाइस, यहाँ से मैं फ़ोन को नीचे लेकर जा रही हूँ क्योंकि स्टाफ लोग बैठा हुआ था, पुलिस स्टाफ जितना भी है, तो अभी वो लोग मुझे बुला रहे थे, मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे हस्बैंड बुला रहे थे मुझे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी ऑफिसर के सामने जाके डायरेक्ट कैमरा उठाना। तो गाइस ये है थाना, इस तरह मुझे रहने के लिए बोला है। तो ये देखिए पूरा एक बार दिखाती हूँ मैं आपको, तो कुछ इस तरह से है, ऊपर वाला घर में हम लोग रहते हैं, मतलब इनका रूम है। तो मैं आपको फाइनल लुक मैं उधर जाके दिखाऊंगी, इधर नहीं दिखा सकती। यहाँ देख सकते हो पूरा का पूरा गाड़ी से भरा हुआ है, सब सीज हो चुका है सब गाड़ी। तो चलिए अभी मैं उधर जाके आपको दिखाती हूँ।
से जाएंगे हम लोग। लोकेशन भी देख रही है आप लोगों के साथ, और सच बताइएगा आप लोगों को बाइक में घूमना किस किस को पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अच्छा लगता है हस्बैंड के साथ बैठना, तो इसलिए मुझे बाइक में घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कार में भी अच्छा लगता है लेकिन कहीं थोड़ा थोड़ा दूर जाने के लिए बाइक में अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था तो इसलिए उन्होंने रुका दिया था, रुका कर फ़ोन पर बात कर रहे थे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं गेट का एंट्री नहीं उठा पाई, कैमरा ऑन करते करते पार हो गई थी। तो चलिए अभी पहुँच ही गया है यहाँ पर। अभी वैसा ही है जैसे 4 साल मतलब 5 साल पहले आया था वैसा ही, अभी भी बहुत अच्छा लगता है ये जगह भी। आप लोगों से कौन कौन गया है मेरा ब्लॉग देख कर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। पेट्रोलिंग थाना शांतिपुर थाना रे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं अभी पूजा का सामान, तो देखते हैं आप लोग और लगे थे पूजा। देखिए पूजा का सब कुछ ले लिया यहाँ पर, अभी चलिए चलते हैं ड्राइविंग ना कोया कोया जावा था सुंदर है, भीड़ बहुत है यहाँ पर। चलिए Hey guys, अभी लाइन में खड़ी होकर मैं जस्ट आई हूँ, आवाज कुछ नहीं दे रहा होगा क्योंकि अभी तक पूजा नहीं किया। देखिए जैसा का तैसा ही है, पूरा भीड़ है, अभी मेरा बालों का हालत नहीं है पूरा। और यहाँ पर बकरी काटा जा रहा है, मुझे आज मेरे पापा का बहुत याद आ रहा है क्योंकि इस जगह पर पापा के साथ आई थी लास्ट, अभी वो नहीं है हम लोग के साथ। कैमरा
एक घापे जाते फटे यार इसे एक बारे जाने फटे ले लो वो सब बाटा है ना এখানে কি করে দোকানের মধ্যে চলে জানি কি এটা অন্য सॉरी गाइस, आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब मेरा हस्बैंड का हाथ में कैमरा था तो उनको वो भूल चुके थे कि उनके हाथ में कैमरा है, बोल के वो बस मेरे तरफ देख कर ही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। बाद में उनको पता चला कि उनके हाथ में कैमरा था बोल के, जब मैंने बताया कि उधर चाहिए बोलकर। और सॉरी अगर आप लोगों को मेरा वॉइस थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो, क्योंकि कोल्ड हो के मुझे तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा अगर। तो चलिए आप देखते रहिए, मैं भी यहाँ पर दिया जला लेती हूँ। पहले सोचा था मैं ये वीडियो डिलीट कर देती हूँ बोलकर, पर सोचा रहने देते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो अनलाइक करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए सबको ही, मतलब जिस चीज़ का विश रहता है वो लोग यहाँ पर धागा बांध के जाते हैं, और जब जिसका विश पूरा हो जाता है तब आके कोई भी एक धागा खोल देने से हो जाता है यहाँ पर, इसलिए ये गाज पर बांधा जाता है। अगर जिसको पता नहीं इसलिए बता दिया, लेकिन असम में जो है वो लोग को तो पता ही है इसके बारे में। तो यहाँ देखिए हर बार मैं कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जाती हूँ, मतलब कोई भी अच्छा जगह पर जाती हूँ तो मैं इनके हाथ से सिंदूर लगाती हूँ। तो आज भी, और ऊपर से आज एनिवर्सरी है तो लगाना तो बनता ही है, तो वो लगा दे रहे थे मुझे। तो पूजा अभी फाइनल खत्म हो चुका है, तो ये देखिए हाथ में ले लिया। और देखिए भी अभी जस्ट एक शादी करने वाला कपल आया था, देख के सोचा शूट करूँ बोल के, पर टाइम नहीं है, इनका ड्यूटी है तो जाना पड़ेगा अभी, तो चलिए चलते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा माँ के मंदिर जाकर, काश माँ विश पूरा कर दे। चलिए चलते हैं। चलिए अभी चलते हैं, पूजा खत्म कर लिया है अभी हमने दोनों ने मिलकर। तो यहाँ से थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ कुछ सामान खरीद लेते हैं पहले, क्योंकि आधे से खाली हाथ चारे का मन नहीं करता है। ছোটটা 340 টাকা।
वो संदीप रोहन ने ना ना छोटू मेरे मुंह तुम्हारा टेबल पे रखवा लेगा मैं ओ हो सिंदूर कोटा नहीं ना एक हम मत एक तो बड़ा सरो बड़ा तो नहीं तो ये देखिए सिंदूरदानी देख रही थी मैं, मतलब मुझे कुछ बड़ा सा चाहिए था पीतल में इस तरह का, लेकिन ये भी अच्छा खासा है, जैसा दो दो डब्बा सिंदूर इसमें घुस जाएगा बोल रहा था, तो इसलिए ये वाला ले लिया। और लफिंग वाला जो छोटा लफिंग बूटा जो छोटा वाला दिखाया था वो वाला नहीं लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया था। उसका मैं अभी नहीं दिखा सकती, वो जो देखिए लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर जो है वो वाला लिया था मैंने। तो मेरा तो हो गया, छोटा मोटा सामान ले लिया था मैंने, अभी वो देख ही रहे के बाद एक उनको क्या पसंद आएगा नहीं आएगा वही जानते हैं। तो तब तक मैं आपको थोड़ा सा ऐसे पीछे का नज़ारा दिखा रही थी। तो यहाँ देखिए वहाँ से सामने ही है ये हनुमान मंदिर, तो यहाँ पर भी रुक कर दर्शन कर लिया, तो अभी सीधा चलते हैं। तो ये देखिए ये वाला ढाबा है, इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी रेसिपी मिलता है, पता नहीं सुना है मैंने मणिपुरी होटल भी तो बोलता है बिल्कुल हाईवे के सामने। तो चलिए अभी खाने का क्या 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 बन रहा है कैसे बन रहा है आपको दिखाऊंगी मैं, और क्या खाने में है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ देखिए अंकल अभी खाना बना रहे थे, वो चिकन बना रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन बनता है यहाँ पर। तो ये देखिए मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, चूल्हा पर बनता है, तो आपको तो पता है चूल्हे का खाना कितना टेस्टी बनता है। तो यहाँ देखिए हस्बैंड और मैं यहाँ पर बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो भैया अब आप लोग से कुछ बात करते हैं, मतलब बाइक में बैठने से बालों का हालत तो ही रहता है बोलकर। तो ये देखिए फाइनली खाना आ चुका है। अभी हम लोग खाना शुरू करते हैं। खाने में था एक दो तरह का भाजी और दाल, मटर का सब्जी और ये फिश था और चिकन, बस इतना ही। और ये हिरम्बा मणिपुरी होटल मणिपुरी ढाबा, तो हिरम्बा तो होना ही चाहिए, तो इसलिए हिरम्बा दिया था, इरम्बा बोलते हैं सॉरी। बहुत ही ज़्यादा तीखा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। तो हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बल्कि सीधा यहाँ पर खाना खा लिया। गाइस अभी आप लोगों के साथ मैं फिर से वापस आई हूँ बात करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में बस खाना खा के बस बाइक में बैठ कर सीधा घर आ गई थी, और घर का हालत पूरा बेहाल था, क्योंकि आपको तो पता ही है कहीं जाने के टाइम में लड़की लोगों को कितना सामान फैला कर रखता है रखना पड़ता है, उसी तरह मेरा भी हालत था। और थोड़ा बहुत काम भी था, इसलिए मैंने फटाफट ड्रेस चेंज करके मतलब रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया, उसके बाद फिर से नहा के अभी जस्ट ऊपर छत पे आई थी धूप से धूप लेने के लिए, तो वही धूप ले रही थी और देखा मतलब नीचे में खाना बनाने का सामान वामान लेके आ चुका है, तो वो लोग खाना बना रहा था। देखिए वो लोग दिखाती हूँ, बकरी काट रहा था वहाँ पर, इसलिए मैं ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाई आप लोगों को। तो आइटम में बकरी का मीट और
मुर्गी और पनीर था और फ्राइड राइस था और बस दो तरह का मिठाई और केक था, इतना ही था, सिंपल था बिल्कुल। गुंडा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना। गुंडा हाय कर, हाय गुंडा, हाय कर, हाय हाय हाय। यहाँ देखिए पार्टी का तैयारी शुरू हो चुका है। पार्टी तो जैसे सुबह से शुरू हो गया था क्योंकि नीचे पर भी बहुत हल्ला शुरू हो गया था गाना वाना बजा के वो लोग, तो अभी शाम होते होते वो लोग मतलब आधा पार्टी आधा नहीं तो तीन जन यहाँ पे आके बैलून का डेकोरेशन करने लग गए थे। तो आज के लिए व्लॉग मैं दो पार्ट में बना रही हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया था।